क्या आपको भी होती है कंफ्यूजन 3/4 फेस ड्रॉ करने में? क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा ट्रिक जिसको यूज करके आप बहुत ही परफेक्ट फेस ड्रॉ कर लें, या फिर आप अपने मेहंदी में फिगर आर्ट को इंक्लूड करके मार्केट में और भी ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कीप मुस्कुराना। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 3/4 फेस कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने साइड फेस को ड्रॉ करना बताया, जिसमें मतलब मैंने बहुत ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा है, जैसे कि प्रपोर्शंस का ध्यान रखना, बेसिक लाइन से रेफरेंसेस लाइन, वो सारी चीज़ें मैंने बेस क्लियर किया हुआ है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आगे की वीडियोस आप देखते जाओगे उसका कोई फायदा नहीं है, आप फिर से आपको बैक ही आना पड़ेगा। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, आप पहले वो वीडियो वहाँ से देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए, या फिर आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट और 3/4 फेस के डिफरेंसेस को समझिए। फ्रंट पे जो भी फेस होगा वो पूरी तरीके से दोनों आँख नाक सब कुछ विजुअल होगा और सामने की तरफ होगा। 3/4 फेस में कुछ चीज़ें विजुअल होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। ये पूरी तरह से ना तो साइड होती है और ना ही पूरी तरह से फ्रंट पे होती है। एक आँख थोड़ी सी दिखेगी, एक आँख बड़ी दिखेगी, इस तरह से होता है दोनों में डिफरेंसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको कि आपको रेफरेंसेस लाइन का यूज करना है। आप सिंपल पेज ले सकते हैं इस तरह से, और इसमें आप रेफरेंसेस लाइन ऐसे ड्रॉ करिए। और सबसे इजी होता है, आप इस तरह से आप लाइनिंग वाली कॉपी लीजिए प्रैक्टिस के लिए, जब तक आपको रेफरेंसेस लाइन की जरूरत पड़ रही है तब तक। सबको पता है कि आप हमारा जो फेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इस तरह से डिवाइड किया है मैंने, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये क्या क्या शो करता है, ऊपर वाली आँख नाक और नीचे की लिप और टीथ जिनको शो करता है। तो इस तरह से हम करेंगे, और इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे और कुछ इस तरह हल्का सा कर्व करके इसको लेके जाएंगे। फिर यहाँ से धीरे धीरे पहले छोड़ के दूसरे वाले पार्ट लेके जाएंगे और नीचे थोड़ा सा करते हुए इस तरह से हम पहले ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, कई बार करिए, पहले इतना क्लियर कर लीजिए। मैं एक दो आपको दिखा देती हूँ कैसे ड्रॉ करना है। इसी तरह से आपको सेकंड वाले लाइन से ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। उसको उसमें मैंने दुल्हन बनाया था, इसमें आप सिंपल कुछ भी बना सकते हैं, यही फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा, राइट? अब हम आगे के पार्ट को देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे आंखों को। आंखों को बनाने के लिए आईब्रो सबसे पहले हम बनाएंगे। आईब्रो को नीचे ले जाएंगे इस तरह से, पहली लाइन में टच करते हुए वहीं से हम नाक को लेके आएंगे नीचे। इस तरह से आप नाक ड्रॉ करें। देन अब नीचे हम लिप को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। मतलब साइड फेस है, 3/4 फेस है, इसलिए हम हल्का सा इस तरह से करेंगे। और आंखों को हम इस तरह से, जो हमारी आंख पूरी तरह से नहीं दिख रही है उसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहीं पे आपको ये बनाना है, ओके? देन यहाँ का आईब्रो जो है आपका इस लाइन पे बनना चाहिए, इस ये जो लाइन है सेकेंड वाली, इसके ऊपर बनना चाहिए इस तरह से। और यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जस्ट आईब्रो के नीचे नहीं बनाना है, उससे थोड़ा सा एंगल ये रखना है आपको। और ये भी ध्यान रखिए कि मैंने जो बीच का, आंखों के बीच का बनाया है वो गोल नहीं बनाया है, बल्कि थोड़ा सा यू शेप में बनाया है मैंने, राइट? तो आपको भी गोल नहीं करना है, आपको ये वाला ट्राई करना है, ओके? अब आते हैं लिप पे। लिप जो कि आपका एक साइड का बहुत थोड़ा सा दिख रहा है, दिखेगा, और इस साइड का पूरा दिखेगा। तो इधर हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे छोटा सा, और अब जो लिप ड्रॉ, नीचे का जो लिप ड्रॉ करेंगे, अब बिल्कुल उसके नीचे से ना करके हल्का सा थोड़ा सा यहाँ से करेंगे, यहाँ से ऐसे इस शेप में, बिल्कुल इस तरह आप करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट फेस ड्रॉ होगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, अब इसको आप चाहो तो ब्राइडल बनाओ, चाहो तो कोई कुछ भी बनाओ,
ये मतलब मैंने कुछ, ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा हेजिटेट हो रही थी इस टॉपिक को लाने में, बट फिर मैंने सोचा कि अगर ये मुझे इतनी हेल्प कर रहा है ये टेक्निक, तो आपको भी जरूर करेगा, और फिर मैं लेके आई। अब इस तरह से हम सेकेंड फेस को भी देख लेते हैं, वो तो मैंने टीका वाला बना दिया, ये देन फिर से आप ड्रॉ करिए इस तरह से आईब्रो, आईब्रो जो सेकंड जो आईब्रो है यहीं से आपको नोज लेके आना है इस तरह से, देन आपको आंखों को ड्रॉ करना है, बिल्कुल यहाँ पे आपकी आंखें बननी चाहिए, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ पे आप, यहाँ पे आप आईब्रो बनाइए, आईब्रो हमेशा उस लाइन के ऊपर बनाइए जो आपका पहले वाला आईब्रो बना हुआ है, उसके सामने से बिल्कुल नहीं बनाएंगे आप। देन यहाँ पे आंखें बनेंगी, सिर्फ आईब्रो के जस्ट नीचे से आपको आईब्रो मतलब आंखें ड्रॉ नहीं करनी है। देन लिप, लिप का वही फॉर्मूला जो थोड़ी सी दिख रही है उसको हल्का सा वहीं से टर्न करके दूसरी वाली को हम पूरा ड्रॉ करेंगे, दिन वही। और ये जो पोर्शन मैंने पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया है सेम उसी पे आपको ड्रॉ करनी है, नोज के जस्ट नीचे आपका लिप आना चाहिए। अब इस तरह से ड्रॉ हो गया, अब यह इसको मन चाहा शेप दीजिए, चाहे तो गर्ल्स बनाए, चाहे तो बॉय बनाए, या फिर दूल्हा दुल्हन एक्सेट्रा, जो भी आपको बनाना हो। ये सिर्फ मैंने एक टेक्निक बताई है कि आप इस तरह से करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो, और आप केवल एक लुक देना चाहते हैं कि हाँ कोई बैठा है, कोई फेस ड्रॉ हुआ है, तो उसका भी टेक्निक है मेरे पास, बहुत ही इजी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा बस दो तीन स्टेप मारेंगे और वो पूरा हो जाएगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इसे मैंने पहले जैसा ही फेस पहले ड्रॉ कर दिया है, जो तीन स्टेप आपको करना था वो कर दिया है। अब यहाँ से आप एक ऐसे लेके आइए, देन इसे टच करते हुए ही आप दूसरा लेके आइए, यू, दो, तीन, इस तरह से चेक मार्क की तरह, चार, सीधा सीधा सा कुछ भी मारिए आप ऐसे, चार, और यहाँ पे लिप जो लाइन रेफरेंस लाइन है वहीं पे आपको टर्न देना है, ये ध्यान रखेंगे, और लिप के जस्ट नीचे से नहीं, थोड़ा सा साइड छोड़ के इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और देखिए बिल्कुल लुक आ गया कि हाँ 3x4 फेस है बिना मेहनत किए। तो अब मैं आपको बताऊंगी वो छोटी से छोटी गलतियां जो हम कर देते हैं, हमें नहीं पता होता है कि इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उन चीजों पे बहुत ही ध्यान देंगे। अगर हम छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, अगर उन चीजों पे ध्यान देंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए आगे की चीज। एक आंख हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, दूसरी आंख में जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से, एक आंख तो हमने दिखा दिया कि हार्ट जो भी फेस है वो उस साइड देखता है, बट एक आंख को हम फ्रंट पे दे दिखा देते हैं, इस तरह की गलती हो जाती है, ध्यान रखिए। ये गलत है, इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें ये वाला एंगल देखना है, दोनों ही कॉर्नर में होना चाहिए, क्योंकि एक आंख अगर इधर जा रही है तो दोनों ही आंखें इस साइड में करनी है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ और भी चीजें देख, कई बार भी क्या होता है, हम आईब्रो को इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, जो ये लाइन है जस्ट उसी लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं, जिससे वो परफेक्ट शेप नहीं आ पाता है इस तरह से। ये तो तब ड्रॉ होता है जब हमें ऊपर की तरफ दिखाना होता है, इस शेप में आ गया, वो बिल्कुल सीधा नहीं आया, यानी कि चेहरा थोड़ा झुका हुआ है या ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ जब बनाना हो तो पूरा शेप ही हमें इस तरह से, फेस का पूरा शेप इस तरह से होता है, तब हमारी आंखें तिरछी यानी कि इस शेप में होती हैं। अगर आप इस तरह से सामने की तरफ बना रहे हैं तो ऐसे तिरछा नहीं बनना है, इस एंगल में आपको करना है। ठीक, ये आईब्रो जो है ये ऊपर की साइड से बनेगा, ना कि इस लाइन पे। हो गया, इस बात को ध्यान रखें।
अच्छा लिप में भी देख लेते हैं क्या मिस्टेक होता है। लिप में भी होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं जो इस तरह से लगने लगता है, तो इसका भी ध्यान देंगे कि जो रेफरेंस लाइन है यानी नाक के नीचे से ही हमें लिप स्टार्ट करना है। हाँ तो देखिए इस तरह से आपको लिप ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा फिर यहाँ से ज्यादा फिर ऐसे, यही टेक्निक आपको हर जगह यूज करना है। ये सही है ये गलत हो जाएगा, इस तरह से आप ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको ड्रॉ ऐसे करना है, राइट। अच्छा अब नाक को भी आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है, फ्रंट वाला नाक ड्रॉ नहीं करना है, इस तरह से आपको ये वाला नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिख रही है इसमें आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया, राइट। तो अब मेहंदी से भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं किस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, बट आई होप मैंने अच्छे से कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो आप इस तरह रेफरेंसेस लाइन से प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरह से मतलब इस तरह प्रैक्टिस कीजिए कि आपको रेफरेंसेस लाइन की जरूरत ही ना पड़े। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फिर हम वापस मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मुस्कुराना।